नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। धर्म और राजनीति, ये दो चीजें करीब जब आती हैं तो क्या होता है, ये देश ने 1947 में बहुत अच्छी तरह देखा। देश का बंटवारा हो गया और तब से लेकर अब तक असंख्य दंगे हुए। कारण फिर वही, राजनीतिक मकसद से धार्मिक पहचान को निशाना बनाना। कभी जालीदार टोपी पहनने के चलते कोई निशाना बन गया तो कभी किसी को इसलिए मार दिया गया क्योंकि घर पर भगवा झंडा था। हमें अंग्रेजों से आज़ाद हुए 75 साल होने जा रहे हैं, लेकिन हम धार्मिक पहचान को लेकर होने वाली राजनीति को कैद से बाहर नहीं आ पाए। तभी तो कोई बीजेपी का प्रचार करता है और मारा जाता है। दुकानदार धर्मस्थलों के पास से भगा दिए जाते हैं ये कहते हुए कि तुम्हारा धर्म दूसरा है। कोई छात्र कॉलेज के एक कमरे में प्रार्थना कर लेता है तो बवाल हो जाता है। एक वीडियो सामने आता है जिसमें भाई रो रो कर अपनी पीड़ा बता रहा है कि उसके भाई को बीजेपी का साथ देना कितना भारी पड़ गया। बता रहा है कि पुलिस से शिकायत की मगर वहां से वक्त रहते सहायता ना मिली। बता रहा है कि बीजेपी की जीत पर मिठाई खिलाने वाले एक मुस्लिम युवक की हत्या हो गई। बीजेपी का झंडा लगाकर मगर दीवार पर प्लास्टर नहीं है। घर तो है मगर शटर है, उसके पास संपन्नता भी नहीं। मुफलिसी से भरे छोटे से घर के भीतर एक बूढ़ी माँ, एक पत्नी जो विधवा हो गई है, एक बेटा है 4 साल का और एक बेटी 6 साल की है, और इसी घर में रहता था बाबर। यूपी के कुशीनगर जिले के कटघरही गांव में रहने वाले 26 साल के बाबर को पीट पीट कर इसलिए मार दिया गया क्योंकि बाबर ने बीजेपी के लिए प्रचार किया और मिठाइयाँ बांटी। तस्वीर 11 मार्च की बताई गई जब नतीजे आ चुके थे और बीजेपी जीत चुकी थी। बताया गया कि उसने बीजेपी की जीत में खुशी में मिठाई बांटी और परिवार का दावा है कि बीजेपी का समर्थन करने के आरोप में अपने पाटीदारों ने उस पर बर्बरता बरसाई। आरोप है कि पुलिस को पहले ही तहरीर देकर गुहार लगाई गई थी, विवाद पहले से ही था, धमकियां पहले से मिल रही थी, लेकिन वक्त रहते पुलिस ने कुछ नहीं किया। उसके बाद जो हुआ वो खानापूर्ति के सिवा कुछ नहीं। उसके बाद से थाना रामकोला में गया, उसके बाद डीएम साहब के पास गया, हर जगह एफआईआर किया है, कोई सुनवाई नहीं हुआ है और ना ही कोई इसको बचाया है। लास्ट में लोग मारते मारते इसके जान ले। सर, वो तो शुरू से ही मतलब हिंदू समाज से मतलब हर व्यक्ति से मतलब अच्छा से रहते थे सर, लेकिन जैसे यहाँ पर ये लोग उनको मतलब उतना मतलब ये नहीं कहते थे कि हाँ चलो बाबर हमारे साथ रहो या नहीं रहो। ये लोग हर हमेशा दूसरे नज़र से गंदी नज़र से वो लोग देखता था, ताकि ये बाबर हमारे समाज के लायक नहीं है, उधर बिरादरी में रहता है, तो इसीलिए इन लोगों से बहुत पहले से ही सर वो मतलब उधर ही रहते थे वो बाबर, और हम लोग भी मतलब वैसे ही हैं सर। जी सर, तो आखिर क्या वजह रही कि आपके परिवारों ने उसको मारा, क्या वजह, क्या उसका लगा? वजह यही था सर कि बीजेपी पार्टी की सपोर्ट करता था वो और प्रचार प्रसार में लगा रहता था। उस दिन मिठाई बांटा, जो पीएन पाठक जी जब जीते सर तो उस दिन वो मिठाई बांटा, जिसके वजह से खुन्नस इनको बहुत बढ़ गया और जो भी घर पे पोस्टर था सर फाड़ फाड़ के फेंकते थे और प्लानिंग बना के एक बार हमला किए तो बच गए, फिर दूसरी बार ये लोग हमला करके मार दिए सर। तो उसके लिए पूरा एप्लीकेशन अपने जान मान के लिए एप्लीकेशन डाला, तो उस पर कोई सुनवाई नहीं हुआ सर। जिसमें प्रधान जी और ये जो थाना जी जो भी है प्रशासन वो दोषी है, अगर वो लोग चाहते तो हमारा भाई बच नहीं, जो भी इसमें संलिप्त कोई बक्सा नहीं जाएगा। यहाँ सारे अधिकारी हैं, डीएम साहब हैं, सीओ साहब हैं, सचो हैं, जो भी इसमें बक्सा नहीं जाएगा, डुडवा के पकड़वाएंगे इन लोगों को। इन लोगों को समझ में आएगा कि इस तरह से कृत किए हैं, इनका नस्ल दोबारा करने की कोशिश नहीं करेंगे। जिस तरीके से लोकतंत्र लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर आदमी जो है वो है कि अब किसको वोट दे किसको मत करेगा, कहीं ना कहीं ये प्रहार है। इस तरह की तालिबानी मानसिकता है कि जबरदस्ती थोपा जाए कि इनको देना चाहिए, इसलिए बता रहे हैं जो भी इसमें संलिप्त कोई बचेगा थोड़ी दोबारा कोई इस तरह का हरकत करने की कोशिश नहीं करेगा।
लेकिन बाबर की मौत हो, लड़के का नाम बाबर था, मेरे जिले से जुड़ा हुआ ही गांव है, और उसकी बूढ़ी माँ वो अब गरीब वो परिवार में, खाली उसका उसका दोष ये था कि उसने मिठाई बांट दी, क्योंकि लाभार्थी की तरह उसको पता था कि ये सरकार आई है हम लोगों को हर समुदाय को चलाने वाली, एक एक मुसलमान लड़के ने मदद की या मिठाई बांटी तो उसको सब लोग पीट पीट के मार दिए, उसकी हत्या कर दिए। तो इससे पता चलता है कि यही TMC, यही जो कोलकाता में भी हुआ था, और जहाँ भारतीय जनता पार्टी बहुमत में 4 राज्य में जीतती है और वहाँ पर सब कुछ शांतिप्रिय चलता है, और भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि कहीं दंगा फसाद शांति या उत्पात ना मचाए, ये TMC वाली सोच थी जो कोलकाता में हुआ कि हत्या होने लगी, उसी तरह ये लोग ये जो हार गए और ये उत्पाती लोग हैं, इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिली। लेकिन मेरा वो सारे जो भी ये जो कैंडल मार्च करते हैं या फ्रीडम ऑफ स्पीच की बातें करते हैं या पार्लियामेंट में कहते हैं, वो लोग कहाँ गए? बाबर की मौत पर ये माइनॉरिटी के जितने बड़े बड़े नेता हैं, उन्होंने क्यों आवाज़ नहीं उठाई? ये मेरे लिए बहुत दुखद है। तो फिर से पुलिस पर सवालिया निशान है कि आखिर पहले से जब पुलिस को इतला कर दिया गया था उसके बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और आखिरकार बाबर को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, तो इसमें कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान उठता नजर आ रहा है। साथ ही अब उस परिवार का पालन पोषण कौन करेगा, इसके लिए भी एक बड़ा सवाल है। तो बाबर का जुर्म सिर्फ इतना था कि वो राम भक्त था और राम भक्त होने के साथ साथ वो BJP समर्थक था, और BJP की जीत पर उसने अगर मिठाई बांटी तो आखिर उसने गलती क्या की? उसका जुर्म सिर्फ इतना था कि उसने BJP का समर्थन किया, उसके घर के बाहर BJP का झंडा लगा हुआ था और जिसके चलते उसे मौत के घाट उतार दिया गया पीट पीट कर। कुशीनगर में एक बार दिल दहला देने वाली फिर से वारदात सामने आई है और इसी को लेकर लगातार यूपी सरकार एक्शन में है, SHO पर कार्रवाई की गई है और साथ ही पीड़ित परिवार को 2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है। तो फिलहाल कुशीनगर में एक बार फिर से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। बाबर का जुर्म सिर्फ इतना था कि उसने BJP का समर्थन किया और BJP की जीत की खुशियां मनाई। तो फिलहाल आज इसी पर चर्चा करेंगे और तमाम मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। आलोक बस हमारे साथ BJP से मौजूद हैं, आशीष चौधरी समाजवादी पार्टी से, और साथ ही फरहत अली खान साहब मुस्लिम स्कॉलर मौजूद हैं हमारे साथ। फरहत अली खान साहब, शुरुआत आपसे ही कर लेता हूं कि आखिर उस बाबर के लिए बोलने वाले आज इस बाबर की मौत पर मौन क्यों है? देखें, जो बाबर की कुशीनगर में निर्मम हत्या हुई उस पर जितना भी दुख व्यक्त किया जाए मैं समझता हूँ कम है। एक माँ से अपना लाल छिन गया, एक बहन से अपना भाई छिन गया, एक बाप से अपना सहारा छिन गया, तो मैं तो उसकी मगफरत के लिए दुआएं भी करूँगा। और उसने जो बलिदान दिया है, मैं योगी आदित्यनाथ जी से और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं एवं अन्य लोग भी हैं, वो उनसे अपील भी करूंगा कि देखिए अब तालिबानी सोच को कैसे खत्म किया जाए। जो शब्द ये लोग इस्तेमाल करते हैं जिहादी, इन जिहादियों को, इन कट्टरपंथियों को कैसे खत्म किया जाए? अगर हमने कोई लाभ लिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, हमने घर लिया है, हमने स्वास्थ्य सेवाएं ली हैं, हमने अपने बच्चों के और पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप ली हैं, अगर उसके बदले हम सम्मान दे देते हैं, हम एहसान उनका मानते हैं, हम मतदान दे देते हैं, तो ये कट्टरपंथियों को, और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, जिनको TV में आजकल चलन है जिहादियों को बहुत बुरा लगता है, तो लाजमी सी बात है कि मुसलमान
सही सालिम ईमान होता है और वही ईमान वाला मुसलमान होता है जो किसी के एहसान का बदला ईमानदारी से चुकाए। और मैं तो ये बात कहूंगा कि जो अपना ये बच्चा था इसका बलिदान जाया नहीं जाना चाहिए। और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, कश्मीर द फाइल मैंने पिक्चर देखी थी, जैसे पंडितों को इन कट्टरपंथियों ने कश्मीर में जीने नहीं दिया, इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के मुसलमान को ये उत्तर प्रदेश और देश में जीने नहीं देना चाहते। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, क्योंकि आप ऐसे मुद्दों को उठाते हैं जिससे हम सब लोगों को इंसाफ मिल पाए, जिससे हम सब लोगों के साथ न्याय हो। तो इस बाबर का जो बलिदान है, जो कुर्बानी है, वो जाया नहीं जाना चाहिए और उनके हत्यारों को सख्त सजा होना चाहिए, यहाँ तक कि उसको फांसी होना चाहिए कि दोबारा से ऐसी हत्याएं ना हो। ये सरकार को भी सोचना है, ये कानून को भी सोचना है और यही समाज को भी सोचना है। चलिए आलोक वर्ष जी हमारे साथ बीजेपी से मौजूद हैं। आलोक वर्ष जी, सवाल मेरा आपसे यह है कि आखिर पुलिस प्रशासन का इतना ढीला रवैया क्यों रहा इस पूरे मामले में? पहले ही अगर आपने बाबर के भाई की बात सुनी हो या उनकी पत्नी की बात सुनी हो या एफआईआर की कॉपी देखी हो तो उसमें साफ तौर पर जिक्र किया गया है कि पहले ही पुलिस से कार्रवाई की मांग की गई, लेकिन पहले जो नाली का विवाद था उसको लेकर लगातार उन्हें धमकियां मिल रही थी और अब जब वो मिठाई बांट रहे थे तो उसके कंधे पर रखकर बंदूक चला दी गई और बाबर आज हम सबके बीच नहीं है, तो इसमें कहीं ना कहीं पुलिस पर सवालिया निशान जरूर उठता है, यूपी पुलिस पर सवालिया निशान। आलोक वर्ष जी, देखिए प्रियव्रत भाई जी, जो हुआ वो बिल्कुल ही गलत था। इंसानियत के किसी तकाजे में ऐसी चीज की कोई गुंजाइश नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये लोकतांत्रिक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ हर आदमी को अपनी आजादी है, धर्म के नाम पर हो, पार्टी के नाम पे हो, कहीं कोई इसमें द्वेष नहीं है। लेकिन किसी एक पर्टिकुलर धर्म का होके और एक पर्टिकुलर पार्टी के लिए अगर वो खुशी इजहार करता है उसकी जीत के बाद, तो उसके साथ जो ये दुर्व्यवहार लोग कर रहे हैं उनके उनको अगर जिहादी कहा जाए, कट्टरपंथी कहा जाए, उनको अगर आतंकवादी कहा जाए, तो ये सारे जुमले उनके लिए कम पड़ेंगे, वो इंसानियत के दुश्मन। नहीं नहीं, सवाल से आप फिलहाल इतर हो रहे हैं। और सवाल ये था कि पुलिस ने आखिर पहले कार्रवाई नहीं की, क्यों नहीं की, और ये कार्रवाई तभी हुई जब बाबर आज हम सबके बीच नहीं है। अगर पहले से कार्रवाई की गई होती जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है, पुलिस अगर उन पर पहले से कार्रवाई कर देती तो आज बाबर हम सबके बीच होता, आज आपका एक समर्थक आपके बीच होता। देखिए प्रेमर जी, ये सब कहने की बातें हैं कि पुलिस ने अगर, अरे भाई पुलिस को जब पता लगेगा तभी तो कार्रवाई करेगा, या पुलिस पहले ही विवाद को लेकर एफआईआर दी गई थी, जिलाध्यक्ष जी को भी अवगत कराया गया था, भाजपा के जिलाध्यक्ष जी को भी अवगत कराया गया था, पहले से एप्लीकेशन दी गई थी, लेकिन उस पर पुलिस ने कोई विचार नहीं किया। मैं सीधा सच्चा सवाल जो है वहां के जिला प्रशासन पर उठाता हूं कि जिला प्रशासन ने कार्रवाई क्यों नहीं की? एक माँ के लाल की एक चला गया, उसकी गोद सुनी हो गई। चलिए चलिए, फरहत अली खान साहब, आशीष चौधरी से भी ले लेते हैं बीच में। आशीष चौधरी साहब, मेरा सीधा सवाल आपसे यह है कि आखिर समाजवादी पार्टी उस आवाज को क्यों नहीं उठाना चाहती? क्या मरने वाले और मारने वाले एक ही धर्म के हैं, इसीलिए समाजवादी पार्टी खामोश है? क्योंकि अखिलेश यादव लखीमपुर खीरी तो पहुंच गए थे, लेकिन कुशीनगर जाने में आखिर उन्हें कौन सी शर्म आ रही है? आशीष चौधरी साहब, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए डिबेट में ले लेंगे। फरहत अली खान साहब, ये ऐसा है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो मुसलमानों को फुटबॉल समझती हैं, जब उनके खेलने का टाइम होता है फुटबॉल समझ के उनसे खेल लेती हैं और वरना एक तरफ को डाल देती हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी को हर जो मुस्लिम वोटर है उसको इंसान मानना पड़ेगा। अभी मेरे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे हैं उनसे मैं विनम्र पूर्व निवेदन करूंगा कि लाजमी सी बात है कि हमें आप मंत्रालय दे नहीं दे,
हमें आप अन्य कोई सुविधाएं दे नहीं दे, हमें सुरक्षा की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी का वो लोग झंडा उठाए हुए हैं, ना तो आप मुसलमानों को अपना मान रहे हैं और ना मुसलमान उनको अपना मान रहे हैं। यही कारण हुआ वहां का प्रधान इस चीज का जिम्मेदार है जो ये कहता है कि 10 लाख रुपए में हम जो है वो सारा मसला निपटा देंगे, हत्या से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ ऐसे प्रधान को जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आपसे कहूँ कि उसको ये कह के मारा गया कि मोदिया योगिया मुर्दाबाद, बाबर मुर्दाबाद, उसको छत पे से उठा करके फेंक दिया गया। उस बंदे ने पहले एप्लीकेशन दी थी, सीओ साहब स्वीकार कर रहे हैं, जिला अध्यक्ष जी ने स्वीकार किया है, तो प्रवक्ता महोदय को भी स्वीकार करना पड़ेगा। योगी आदित्य जी, हम आपसे निवेदन पूर्वक कहते हैं कि अब हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी ले लीजिए। अगर कश्मीर में किसी पंडित या किसी हिंदू के संघ न्याय होता है वो वहां अल्पसंख्यक है, यहाँ हम अल्पसंख्यक हैं और हमें तो हमारे ही लोग मार देंगे। तो मैं निवेदन करूंगा कि ऐसी सजा होना चाहिए वहां के जो लोग इनमें इन्वॉल्व हैं कि जिनको जिस इतिहास बन जाए। अब कोई बाबर नानी भाजपा का समर्थक मारा ना जाए। अब और क्या चाहते हैं आप तो आशीष चौधरी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से मौजूद है, इनसे भी सवाल लेंगे। फिलहाल रुकते हैं यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है, तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और एक गहन मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। आशीष चौधरी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से मौजूद हैं। आशीष चौधरी जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, बिल्कुल। चलिए आशीष चौधरी जी, सीधा सवाल आपसे मेरा यही है कि आखिर समाजवादी पार्टी ने चुप्पी क्यों साध रखी है बाबर की मौत पर? क्या मरने और मारने वाले एक ही समुदाय से थे, इसी वजह से अखिलेश यादव कुशीनगर नहीं पहुंच पाए? क्या अखिलेश यादव को कुशीनगर पहुंचने में शर्म आ रही है, क्योंकि लखीमपुर खीरी तो पहुंच गए थे राजनीति करने, क्योंकि इलेक्शन से पहले का समय था, लेकिन अब जब इलेक्शन निपट गया है तो आखिर किस बात की शर्म कुशीनगर जाने में? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँ, समाजवादी पार्टी किसी अपराधी को समर्थन नहीं देती, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। किसी अपराधी के साथ है, अगर किसी ने गलत किया उसको सजा होनी चाहिए। लेकिन आवाज उठाने का फर्ज तो समाजवादी पार्टी का बनता है ना, मुख्य विपक्षी पार्टी है यूपी में। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ, जिन लोगों ने गलत किया उसको सजा मिलनी चाहिए, उसे जेल जाना चाहिए। और योगी आदित्यनाथ जी से भी मैं अनुरोध करूंगा, उनके शासन प्रशासन से मैं अनुरोध करूंगा, इससे कार्रवाई जल्द से जल्द करने काम करें। चुनाव शाम को निपट गया, चुनाव में हार जीत लगी रहती, कोई हारा कोई जीता, ये तो हमेशा लगा रहता। नहीं, मेरा सवाल ये है कि आखिर समाजवादी पार्टी को बाबर के परिजनों की आवाज उठाने में कुरेश क्यों हो रहा है? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी ने गलत किया तो उसे सजा मिले, उसे जेल भेजें, क्यों नहीं भेजें? भेजें वो जेल भेजें, जो उसमें संदिग्ध रहो सबसे जेल भेजना चाहिए, चाहे किसी पक्ष का रहो, चाहे भाजपा रहो, चाहे समाजवादी पार्टी पक्ष रहो, किसी अन्य दल का रहो या आम कार्यकर्ता रहो, उसको जेल जाना चाहिए। अगर किसी ने जेल किया तो जेल की सजा मिलनी चाहिए, सजा तो मिलनी चाहिए। लेकिन आखिर आवाज अगर आप उठाते तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट पड़ता। चौधरी साहब जी, अगर आप आवाज उठाते, आपकी पार्टी आवाज उठाती और बाबर के परिवार के साथ अगर आज खड़ी होती तो आपके वोट बैंक का तो नुकसान होता, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन कहीं ना कहीं आप बाबर के परिवार के साथ तो खड़े नजर आते। निश्चित तौर पर हम फिर आपके चैनल के माध्यम से बयान बोल रहा हूँ, अगर किसी ने अपराध किया तो उस अपराधी को सजा मिलनी चाहिए और उसे जेल में भेजना चाहिए। सरकार भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को ये सुना है, जो लोग इस मामले में संलिप्त हैं सारे लोगों को जेल भेजना चाहिए। क्यों देर कर रहे हैं सरकार प्रशासन, क्यों देर कर रहा है? क्या इसको दो साल बनाना चाह रहे हैं कि और कुछ बड़ा इशू बनाना चाह रहे हैं? निवेदन करूंगा कि जरा अपने कार्यकर्ताओं को समझा दीजिए, जीत और हार जैसे आपने अभी बहुत अच्छी बातें की हैं, लेकिन एक जज्बा जो अपने जो जिसकी मृत्यु हुई है, जो मृतक है, उसके लिए भी दो शब्द कह देते। ने
समाजवादी को वोट नहीं दिया था, सिर्फ उसकी खता इतनी थी कि वो एक विशेष पार्टी का, भाजपा की पार्टी का समर्थक था। तो क्या हम अकेले हैं अगर अपने में रामपुर उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ पर जो आजम खां है वहां में मरवा देंगे? हम भी भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं। मैं उन आतंकवादियों को, मैं उन जिहादियों को चैलेंज करता हूँ कि आओ रामपुर, हमें मार के देखो। हम योगी के भी समर्थक हैं, हम मोदी के भी समर्थक हैं, हम राष्ट्र के समर्थक हैं। आओ हमारी गर्दनें काटो। अरे किस मुंह से आप बैठे हैं अखिलेश जी, ट्वीट नहीं कर सकते? वैसे तो वोट लेने के लिए तो आप चौधरी जी हम लोगों के घरों पे आ जाते हैं, हमारी मालाएं डाल देते हैं, कब तक हमें बहकाते रहोगे? अरे हम हमारी गर्दन काट दी गई, छत पे से उठाकर फेंक दिया गया। जब छत से नीचे गिरा है बाबर तो वो मुर्दा था, मतलब उसकी सांसें चल रही थी, जिसने अस्पताल ले जाके दम तोड़ दिया। चौधरी जी बड़ी शर्म की बात है, चुनाव खत्म है, अब हम लोगों को मारोगे? मुझे दुख इस बात का है, मैं यहाँ बैठा हूँ, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि बाबर को इसलिए मौत के घाट उतार दिया क्योंकि वो जय श्री राम के नारे लगा रहा था। दुख मुझे इस बात का है कि उसके ही परिवार के लोगों ने, उसके ही पट्टीदारों ने उसे मौत के घाट उतार दिया। दुख इस बात का है कि मरने और मारने वाले एक ही समुदाय के लोग थे। दुख इस बात का है कि समाजवादी पार्टी आज उसकी आवाज नहीं उठा रही है, आवाज नहीं बुलंद कर रही है। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को डर इस बात का है कि अगर हमने मुस्लिमों की आवाज उठाई तो दूसरा मुस्लिम वर्ग नाराज हो जाएगा। फरहत अली खान साहब बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। ये तो मैं तो 1998 से जीतता, मतलब इसको झेलता चला रहा हूँ। कभी फतवा जारी करेंगे, कभी डराएंगे, कभी धमकाएंगे। अरे ये अफगानिस्तान नहीं है, यहाँ तालिबानी सरकार नहीं है, यहाँ पर कानून का राज चलता है। और कानून को किसी भी बंदे को, किसी भी संप्रदाय को अपना नारा मारने के लिए, हम अखिलेश यादव जी जिंदाबाद मारते हैं तो हम, हमारा धर्म परिवर्तन नहीं होता। हम जय भीम बोलते हैं तो हमारा धर्म परिवर्तन नहीं होता। और हम परम परमेश्वर श्री राम का नाम लेके जय श्री राम कह देते हैं तो ये लोग अपनी तलवारों से हमारी गर्दनें काट देते हैं। एक शेर आपके माध्यम से कहता हूँ, रामपुर की सरजमीन से के अपने चेहरे से जो जाहिर है वो छुपाए कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे। लाख तलवारें बड़ी आती है गर्दन की तरफ, सर झुकाना नहीं आता तो झुकाए कैसे। हम समर्थन भी देंगे, हम वंदे मातरम भी बोलेंगे, हम जय श्री राम भी बोलेंगे, हम भारत माता की जय भी बोलेंगे। आओ जिहादियों, काट के दिखाओ हमारा सर, हमारा सर हमारे हाथ से है। एक शेर और आ रहा है मेरे दिमाग में के मुझे यकीन है कि मेरा सर ना मिलेगा, मुझे यकीन है कि मेरा सर ना मिलेगा, लेकिन इन आंखों में जरा भी डर नहीं मिलेगा। एक बाबर मर जाता है तो ये मत सोचो कि जय श्री राम कहने वाला मुसलमान, राम भक्त मुसलमान खत्म हो जाते हैं, योगी और मोदी के चाहने वाले खत्म हो जाते हैं, अखिलेश जी आपका कोई चाहने वाला अब मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आपके चाहने वालों ने तो बाबर जैसी इंसान की हत्या कर दी। आप इस चीज से आप उतर आए हैं, अब हमारी हत्याएं होंगी, अब हम हत्या को देखेंगे। बड़ा दुख है, रोने को दिल चाह रहा है, लेकिन टीवी चैनल है, रो नहीं सकते। चलिए आलोक बस जी, एक छोटा सा कमेंट आपसे ले लेते हैं जी। आलोक बस जी आवाज पहुंच रही है आप तक? छोटा सा आ रही है। क्या कहा आपने प्रियवजी? एक छोटा सा कमेंट आपसे इन्हीं तमाम चीजों पर। देखिए ये जो कुछ भी हुआ ये बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल गलत है। मैं मानता हूँ पूरी तरीके से, आधे घंटे से फिलहाल यही चल रहा है कि बिल्कुल गलत है। चौधरी साहब भी कह रहे थे बिल्कुल गलत है, लेकिन आवाज उसकी कौन उठाएगा आखिर? अपने फाजिल दोस्त को ये मैं बिल्कुल गारंटी देना चाहता हूँ कि निश्चिंत रहिए, दूसरा पावर हम यूपी में नहीं मरने देंगे। योगी के राज में 1100 एनकाउंटर हुए हैं क्रिमिनल्स के, 42,000 लोग जेल में हैं जो अपराधी किस्म के हैं, और बहुत से लोग मुल्क उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग चुके हैं। दूसरा बाबर आप बनने दें या ना बनने दें, लेकिन एक गुजारिश है आपसे कि दूसरा कुशीनगर ना बनने दें आप। बिल्कुल नहीं बनने देंगे, इस बात का वादा है। जो किया इन लोगों ने वो बिल्कुल गलत है। अगर कोई मुसलमान राम भक्त
इसका मतलब नहीं कि वो काफिर है, इसका मतलब कि नहीं कि वो ज्ञानी है, इसका मतलब नहीं कि वो कम्युनल है, वो सच्चा राष्ट्र भक्त है। इसलिए अब जो हुआ तो हुआ, लेकिन अब दोबारा इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। अगर होगी, वैसे भी जिन्होंने ये श्रेष्ठ कांड को किया है वो बक्से नहीं जाएंगे, चाहे वो पाताल में भी हो। योगी बाबा का बुलडोजर उनको वहां से कुरेद के निकाल देगा, और आप निश्चित रहिए कि आने वाले कुछ ही दिनों में उनको पकड़कर और कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान के साथ फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी अगर ले जाना पड़े तो ले जाके इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। हम दूसरा बाबर को नहीं मरने दे सकते हैं। नहीं, बाबर की बात आपका समर्थक हो या ना हो, मेरा मानना है चाहे बीजेपी का समर्थक हो या ना हो, चाहे वो जय श्री राम के नारे लगाता हो या ना हो, या उसके घर के बाहर बीजेपी का झंडा लगा हो या ना हो, ये जरूरी नहीं होना चाहिए आलोक जी, ये जरूरी नहीं होना चाहिए कि उसके घर के बाहर बीजेपी का झंडा लगा हो या ना हो। जरूरी नहीं है, लेकिन चूंकि इसका दोष था कि ये भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टर था, इसका दोष था कि इसने जय श्री राम का नारा लगाया, इसका दोष था कि इसने खुशी में लड्डू बांटे। इसलिए मैं इस बात को कहता हूँ, चाहे कोई बाबर हमारा सपोर्टर हो ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ना तो हमने शौचालय बांटने में, ना घर बांटने में, ना राशन बांटने में, ना मेडिकल की एड मुहैया कराने में हमने हिंदू मुसलमान नहीं देखा। बिल्कुल देखना भी नहीं चाहिए। एक फाइनल कमेंट फरहत अली खान साहब से ले लेते हैं, 10 सेकंड में फरहत अली खान साहब अपनी बात को खत्म करिए। देखिए मैं बहुत जज्बाती हो गया था, बिल्कुल, बस खाली हम ये चाहते हैं कि अब ऐसा अन्याय इंसानों के साथ या पशुओं के साथ भी नहीं होना चाहिए। और कुरान शरीफ चीटी मारने वाले को भी हत्यारा मानता है, तो जो जब हमारी किताब में इंसानियत का दर्स दिया गया है तो हम सभी लोगों को इंसानियत से कायम रहना चाहिए। फिलहाल यही बात है कि आखिर अगर बाबर जैसे इंसान है तो उनके खिलाफ उनकी आवाज भी बुलंद करनी चाहिए। अगर बाबर आज हमारे बीच नहीं है तो समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं उसकी आवाज बुलंद करनी चाहिए और उसके परिजनों की आवाज बननी चाहिए। तो फिलहाल आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल आज जिस तरीके से चर्चा की कि आखिर बाबर को मारने वाले और बाबर दोनों एक ही समुदाय के थे, तो शायद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इसी लिए शांत है। लेकिन अब सवाल यह भी उठता है कि अगर पहले से पुलिस को इत्तला कर दिया गया था, तमाम पुलिस को जानकारी दे दी गई थी, मामूली विवाद नहीं पता था बाबर के परिजनों को कि इतना बढ़ जाएगा कि बाबर आज हम सबके बीच नहीं रहेगा। लेकिन दुख इस बात का भी है कि मरने और मानने वाले एक ही समुदाय के हैं, और शायद इसीलिए बाबर के लिए आज ना रोड शो हो रहा है, ना ही उसके लिए मशाल मार्च निकाला जा रहा है, ना कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। तो फिलहाल ये कहीं ना कहीं शर्मनाक विषय भी है। आज बाबर की आवाज बनने के लिए ना समाजवादी पार्टी सामने आ रही है, ना प्रियंका गांधी कुशीनगर पहुंच रही हैं, तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव, मायावती और प्रियंका गांधी के लिए शर्मनाक बात जरूर है। तो फिलहाल आज की इस खास चर्चा में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया के अहम खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।